Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. नमस्कार, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इंडियन मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट जो मूवी है वो है सिम्बा, और सिम्बा मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में बरकरार चली हुई है अभी तक। और इस मूवी का जो कलेक्शन है वो अभी तक 30 लाख से ऊपर चल रहा है बॉक्स ऑफिस में। और अगर बात की जाए सैटरडे की, तो सैटरडे में इसने 33 लाख का कलेक्शन किया है, और इसका जो टोटल कलेक्शन हो चुका है वो 329.13 करोड़ का जो है कलेक्शन हो चुका है टोटल। और जो कल का आज का कलेक्शन मिला के जो टोटल कलेक्शन हो सकता है वो 339.50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो सकता है। और ये मूवी जो बॉक्स ऑफिस पे है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और अगर बात की जाए अगली मूवी की, तो वो है मणिकर्णिका। और मणिकर्णिका जो मूवी है उसने बॉक्स ऑफिस में इंडिया के साथ साथ ओवरसीज़ में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है। और इस मूवी ने अपने 3 दिनों में जो टोटल कलेक्शन किया है नॉर्थ अमेरिका में वो 3,98,000 US डॉलर का किया है। और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना थिएटर्स आर वैल्यूड एट अराउंड 28 करोड़ एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी अराउंड 200%। इट इज़ नाउ लुकिंग लाइकली टू क्रॉस 60 करोड़ दिस वीक, विच इज़ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। एंड फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी 15 डेज कलेक्शन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बॉक्स ऑफिस इज 55.69 करोड़। And if you talk about 16 days total box office collection, so this is around 57 to 58 crore. And Andhra Pradesh and Telangana theater value around 28 crore. So the movie verdict is double blockbuster at the Andhra Pradesh and Telangana box office. Thakre movie box office mein kafi acha collection kar rahi hai, kyunki iska jo content hai aur jo Nawazuddin Siddiqui ne jo acting ki hai वो काबिले तारीफ़ है। यानी वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और साथ ही साथ इसका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। और इस मूवी में लास्ट में सस्पेंस भी छोड़ा गया है नेक्स्ट मूवी के लिए। और अगर बात की जाए इस मूवी के फर्स्ट डे के कलेक्शन की, तो फर्स्ट डे में इसने 6 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अगर बात की जाए इस मूवी के सेकेंड डे के कलेक्शन की, तो उसने सेकेंड डे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है और 10 करोड़ का कलेक्शन किया है अपने सेकेंड डे में। ये एक अच्छी मूवी की निशानी होती है कि जब फर्स्ट डे से बात सेकेंड डे में मूवी ग्रोथ करती है, तो उस मूवी का कंटेंट और उसमें एक्टर की जो उसने एक्टिंग की है उसको उसका जो उसके बदौलत जो है मूवी वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आता है। अगर बात की जाए मूवी के थर्ड डे कलेक्शन की, तो वो अराउंड 13 से 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। और इसके 2 दिनों का जो टोटल है वो 16 करोड़ है, और इसके जो 3 दिनों का टोटल कलेक्शन टोटल प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है वो 28 से 30 करोड़ के आसपास का लगाया जा रहा है। तो आपको क्या कहना है ठाकरे मूवी के ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा बड़े बजट की मूवी नहीं है, अगर ये मूवी अपने लाइफ टाइम में 50 से 60 करोड़ के आसपास भी करती है कलेक्शन, तो भी ये मूवी सुपरहिट होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।